मेरा नाम नवीन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रॉकी क्लाउड। आज हम आ गए हैं नारनौल से बाबा खोड़ी धाम मिलकपुर, जो कि भिवाड़ी राजस्थान में पड़ता है। बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बाबा के दर्शन करके दोस्तों से मिले, घूमे फिरे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको वीडियो में बाबा खोड़ी वाले के दर्शन कराते हैं और यहाँ की भीड़ भाड़ के बारे में भी आपको। मिलकपुर गांव में पहुँचते ही आपको बाबा मोहन राम का एक मंदिर दिखाई देगा। जैसा कि आप वीडियो में सामने देख पा रहे हैं, ये मंदिर है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ा धूना है जो हमेशा चलता रहता है। भक्तों द्वारा यहाँ से बहुत दी जाती है। 24 घंटे भक्तजन लगे रहते हैं बहुत को ठंडा करने में, और पेट्रोलियम भरकर दूसरी जगह पर भी शिफ्ट की जाती है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आप सभी किसी भी बार को आके देखो, हमेशा भीड़ बनी हुई दिखाई देगी मंदिर में, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है। दूर दूर से आप भी आते हैं, भगत जन आते हैं अपनी दुविधा दुख दर्द को दूर करने के लिए। ये मंदिर के पहले ही शिव जी भगवान का शिवलिंग लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको काटते हुए अंदर की तरफ चलते हैं। ये शिव जी भगवान का शिवलिंग आप सामने देख पा रहे होंगे। मंदिर में हर रोज के दिन बहुत भीड़ रहती है। दीप प्रज्वलित होता है, देख पा रहे हैं। बहुत से मंदिरों में ज्योत में घी डाला जाता है, लेकिन मिलकपुर का खोड़ी धाम के मंदिर ही ऐसे मंदिर हैं जिसमें से घी वापस निकाला जाता है, क्योंकि भक्तजनों की इतनी आस्था है ना कि घी के भंडार लगा दिए जाते हैं, भर दिए जाते हैं घी के दिए फूल। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भक्तों की कितनी आस्था होगी बाबा के ऊपर। कोई मंदिर में किस लिए जाता है? जब उसके काम पूरे होते हैं, काम बनते हैं, तभी कोई मंदिर में जाता होगा, आस्था के साथ जाता होगा। ये एक और दूसरी ज्योति है। ज्योति पर प्रसाद चढ़ाना सख्त मना किया गया है, क्योंकि जो उसमें गिरा लग जाता है वो भी ख़राब हो जाता है। ये आप सामने जो देख रहे होंगे, ज्योत हमेशा चलती रहती है। 24x7 ज्योत जलती रहती है। में आगे बढ़ते हैं। ये एक आशीर्वाद कुंड है जिसमें दूध डला हुआ है, जिसमें बंदे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। वीडियो में आप सामने देख पा रहे होंगे, ये धर्मशाला बनाई हुई है जहाँ पर दूर दूर से आए हुए यात्री, दूर दूर से आए हुए भक्तजन करते हैं, विश्राम करते हैं। और सामने आपको पानी की व्यवस्था दिखाई देती है। गर्मी के महीने में यहाँ पर सिकंजी का वितरण किया जाता है, बाकी के महीनों में यहाँ पे आरो का पानी मिलता है। मंदिर से आगे की ओर चलते हैं। नीचे के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े खोड़ी वाले मंदिर में जाने के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। भक्तजनों की भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से लगभग सभी लोग पैदल जा रहे हैं। आस्था पे टिके हुए सारी भक्ति। अगर आस्था है तो भगवान है, अगर आस्था नहीं है तो भगवान भी नहीं है। बंदों की आप आस्था देख सकते हैं, लोग पेट पुलाने जाते हैं। ये देखिए, बाबा की आस्था है, बाबा उनके काम बनाता है तभी पेट पुराने जाता है। जब कोई मन्नत मांगता है और उसकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वहाँ बाबा के यहाँ पर पेट पुराने चल के बाबा के मंदिर में पहुँचते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इस ताई की क्या एज हो गई होगी, लेकिन ये फिर भी पेट पुराने चल के
बाबा के मंदिर तक पहुंचती है। आस्था है तभी ये लोग जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद में हम पहुंच गए बाबा के मंदिर के नीचे के मेले में। भीड़ काफ़ी है, किसी भी दिन चले जाओ भीड़ मिलेगी, लेकिन जब बड़ी दोज होती है उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा आपको निकलने की भी जगह नहीं मिलेगी। बाकी के दिन जाओगे तो ऐसी भीड़ मिलेगी आपको देखने के लिए। चलिए मंदिर में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप मंदिर के द्वार पर पहुंचोगे आपको भक्तजनों की भीड़ दिखाई देगी, प्रसाद की बेरियां दिखाई देंगी। यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके हम ऊपर की ओर बढ़े। ये ऊपर जाने के लिए मंदिर का द्वार है। यहाँ आपको उल्टे हाथ की साइड एक मंदिर दिखाई देगा। ये देखिए पेट फुलाने जा रहे हैं यार, जिसकी आस्था होती है जिसके काम बनते हैं वही इतनी दूर से पेट के बल लेट लेट के मंदिर में पहुँचते हैं। आगे का भी